हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मनी मदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे कॉर्नर ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। भाई गर्मी का टेम्परेचर इतना है कि आजकल कोई स्वस्थ नहीं है भाई, इतने बीमारियां हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखा करिए, खूब पानी पिया करें। और कहाँ जा रहे हैं छुट्टी मनाने? मैं तैयार शहर हो के कहीं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, घूम घाम के आऊँ कहीं स्पेशल स्पेशल जगह जा रही हूँ, घूम के आती हूँ। और क्या हो रहा है? मिलेगा तेरे को फुटेज, दिखा। दिखाइए दिखाइए, अभी बताओ, रख दे। गाइस मेरे मामा है, उसका नाम है घुंगरू, घुंगरू मामा। अब मेरे घर में ना मैंने एक मतलब समाज सेवा चालू करी है, जिसमें मैं जंगली सुअर को पालता हूँ और उनको एकदम अपने भाई बहनों से बना के दिखाता हूँ। उधर क्या रनमूव करिए गाइस, देख सकते हैं हमने इसको उठाया था सुंदरबन डेल्टा से, और उसके बाद से आज तक हम इसे 8 साल से अपनी बहन की तरह पाल रहा हूँ। ऐसे ही समाज सेवा के लिए हमें एक ऐसी समाज सेवा के लिए हमें 4 रुपए दान दे दिए ताकि इसकी मैं कल खट्टी टॉफी खा लूँ। तो ये जो सुअर है इन यानी कि ये जो है देखिए हमारे जो सुअर है सर वो बोल भी सकता है, ये बोल भी सकता है गाइस, क्योंकि बहुत एक्सोटिक ब्रीड है। ऐसी ब्रीड आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको ऐसे खरीदना है, ये सुअर है, इनका नाम भी सुअर है और ये इनकी पहचान पापा गए, ये सुअर है और इनका नाम भी सुअर है, इनकी पहचान भी सुअर है, उनका नाम भी सुअर है। संपर्क कर जीरो कर अपने पने से बाबा जी को खरीदने के सुअर से सुअर का ये नंबर है। एक वो है नंबर बता दीजिए। गए ए कहां जा रहा है? इधर आ गाइस, देखिए मेरे किचन में क्या तैयार हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि कौन तैयार कर रहा है। तो आज पीहू बना रही है सोयाबीन चिंग्स। तो देखो कैसा वो सोयाबीन बनाती है, आपको मैं दिखाती हूँ, बताऊंगी। देखो गाइस, यहाँ प्याज और लहसुन अदरक पीसी और इसे भून गई है। अब इसमें नमक डालेगी, डाल दो अभी, इतना नहीं इतना नमक पड़ेगा, बाप रे। मैं डाल देती हूँ तुमको, चलो अब मिर्च डालो इतना, हाँ डालो। अब हल्दी डालो, यहाँ ऐसा इतना डालो। अब वो डब्बा खोलो, तो ये गरम मसाला डालो, बस बस थोड़ा और, इतना आ रही हूँ, इतना गाइस थोड़ा और, थोड़ा भाई साहब क्या मैगी मसाले की स्मेल आ रही है ऐसे ही। तो गाइस अगर आपको मेरे से रेसिपी सीखना है तो आप 0125-5353 पर कॉल कर सकते हैं। और यहाँ देखो सोयाबीन को पहले भूंजी है अच्छे से तेल में, फिर गर्म पानी में इसे सुकड़ में डाली है थोड़ा सा, और ये सब काम खुद से करी है। लेकिन ये भूल गई थी कि ब्लॉगिंग भी करनी है, तब याद करके कह रही है मम्मा मेरा वीडियो तो बनाइए जब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। हमने कहा यार मेहनत कर रही हो तो बनता है, तो फिर इसे अचानक से याद आया। तो गाइस अब मम्मी मेरा काम कर रही है, तो मैं नमक लगा ढक्कन टूट जाएंगे बर्नी। गाइस मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है ना एक दो तो मार दूं ऐसे रिश्तेदार को जो मेरी मम्मी को सलाह देते हैं। अपनी मेरी भी काम करो, मैं करो, इतना अच्छा लग रहा है यार, इतना अच्छा शॉट बना है। और आज देखो मैंने कैसी चोटी बनाई है, और इधर भी दिखाना, देखो कितनी प्यारी प्यारी चोटी बनाई है। अरे मुझे खाना बनाना है, आप जाओ ना बच्चों, जाओ घर में, बच्चों जाओ अपने घर में जाओ। अरे भाई मैं वीडियो बना रही हूँ, तुम्हारी कैमरामैन बनी हूँ। तो गाइस आपको मैं बता देती हूँ, आपको ना इसमें ना 4 ऐसे करछुल पानी डालना है, ठीक है? आपको 4 तो सही हो गया। कौन चिल्ला रहे भाई?
चला रहा है सब्सक्राइब के लिए, वो तो मैं बोलूंगा ही सब्सक्राइब करना भाई। ये देखो सो गाइस ये देखो मेरा ही हाथ है ये, मैं ही बना रहा हूँ, ज्यादा लग रहा है ना। मेरे हाथों का खाना सबको पसंद है और आज मैं पापा को भी ये वाला खाना खिलाऊंगी। अब इसमें डाल देती हूँ मैं मलिया। देखो गाइस सोयाबीन तड़प रहे हैं, देखो उनकी आवाज सुन, तड़प रहे हैं यार बेचारे। गैस तेज कर दो। सोया बीन ये ऐसा हो चुका है, अब मैं करूंगी, अब आप करो ब्लॉग ऐसा ही बनता है। सो गाइस अभी सिंपलियां दिखाओ, ये देखो कलर कितना मस्त लग रहा है, ये भाई के टेम्पटिंग लग रहा है। मम्मा अब आप बनाओ ना। चलो ये देखो, ये देखो क्या खुशी, पापा के लिए सोयाबीन तैयार हो कर रही है लाडू। तो लाडो के हाथ का सोयाबीन आज खा के पापा तर बतर हो जाएंगे। मैं ऐसा खाना ही बनाती हूँ कि एक मसाला भी कुछ चख लेना मेरे हाथ का तो बेहोश हो जाती, इतना अच्छा खाना। उसमें नशीला क्या डालती हूँ, उसमें क्या ऐसा नशा डालती हो कि बंदे खा के बेहोश हो जाते हैं, मरमुरा जाएंगे। टॉक्सिक भाई, टॉक्सिक डालती हैं ये। फिर उसके बाद जब ये ऐसा हो जाए तो उसके ऊपर ऐसे कुछ भी प्लेट रख दीजिएगा। ओके तो अब चलो 5 मिनट चलते हैं। 5 मिनट में जल के हो जाएगा राख महारानी। अरे नहीं देखिए 5 मिनट ढकने के बाद कुछ इस तरह से, एक्चुअली 5 मिनट नहीं, 3 मिनट होने के बाद। तो गाइस अगर आप 5 मिनट के बाद थोड़ा सा अगर आप कर दोगे तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा। देखो मेरा क्या हाल हो गया उंगली को, पहले ध्यान से चलाएगा गाइस, ताकि बड़का मास्टर से सब कुछ हम किए हैं, क्रेडिट ये ले रहे हैं। अरे कितना झूठ बोल, छोटे छोटे काम किया बाकी सब तो हम किए ना। छोड़ अभी छोलनी को धो के दी हूँ, जो चमचा है उसे धोई हूँ पानी से, तो अब दी हूँ। देख लो क्या बोल रही है, देखो गाइस इतना मस्त मैं तैयार कर दी। आप तैयार किया फिर मैं कैमरे के दुनिया, सब मसाले हमने तैयार करा, तड़का हमने लगाया, सोयाबीन हमने फ्राई किया, गुस्से में लाइट बंद कर दी। क्यों बता रही हो सर, चलो हो गया, तैयार कर ली मैं सोया, इसे रेस्ट देती हूँ, गैस बंद करती हूँ। खड़ा करवा एक बार, ले ले खड़ा हो जा खड़ा। खराबी करेगा चना खिला वो लेके भग गया टुमड़ू। गाइस तो आज दो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यार एक बच्ची की मेहनत लगी है यार इनका। तो भाई मम्मी का तो कोई हाथ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मसालों को छोड़ के, कि मम्मी ने मसालों के सिवा मुझे कुछ भी क्वांटिटी नहीं बताई थी, नहीं तो मैं पूरा ही डब्बा डाल देती, नहीं तो मैं स्पाइसी मसाला नहीं पड़ता था, और क्या पड़ता मसाले सब कुछ था, मम्मी ने मसाला डाले सब कुछ, मम्मी ने किया बनाया नहीं। मैंने कितना अच्छा सब्जी बनाया कि गुल्लू भी मेरे पीछे इतना तेज भागा, बड़ा भूखे पेट बड़ा। अरे गाइस अगर आपको अच्छी सब्जी लगी हो मेरी तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपसे जल्दी नए व्लॉग में, गुड बाय, सब बखैर।